मॉड्यूल 99 नाइन केस ऑफ सेपरेशन इन्जाइटी डिसऑर्डर हम ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्लिनिकल पिक्चर कैसी होगी जब कोई uh, बच्चा जो है वो आपके पास क्लिनिकल सेटिंग में आएगा और उसके पेरेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट करेंगे कि इसे सप्रेशन एन्जाइटी डिसऑर्डर है तो मेनली वो किस किस्म के सिम्टम्स जो हैं वो मैनिफेस्ट कर सकता है देर आर वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स इन विच ही और शी कैन रिफ्लेक्ट हिज हर सिम्टम्स लेकिन यहाँ पर हम एक केस को स्टडी करेंगे विच इज़ अबाउट द जॉनी जॉनी जो है वो सिक्स ईयर ओल्ड है बच्चा और उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली कि बहुत सारे फियर्स हैं नाइट और एनजाइटी की जो है सिम्टम्स uh, वो रिपोर्ट करता है ठीक है अब मेन uh, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो टेरिफाइड फील uh, करता है किस वक्त जिस वक्त वो अपने मदर से सपरेट हो रहा हो इवन फॉर अ ब्रीफ़ टाइम भी यानी ब्रीफ टाइम का क्या मतलब है कि अगर मदर उठ के किचन में भी गई हैं तो वो भी जो टाइम पीरियड है उसके लिए हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है या मदर अगर लिविंग रूम से उठ के ऊपर आपस्टेयर्स गई हैं तो वो टाइम पीरियड भी उसके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता है आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो इतने क्लेंगी होते हैं कि अगर पेरेंट्स जो हैं मदर या फादर के साथ जिसके साथ भी वो क्लेंग्ड हैं अगर वो बाथ लेने गए हैं तो वो बाहर बाथरूम के बाहर बैठ जाते हैं अंटल के आलास दे आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ द बाथरूम तो दिस इज़ समथिंग के इस किस्म का बिहेवियर जो है वो बच्चों के अंदर एक्सप्रेस होता है और उसकी मदर के मुताबिक के शी एक्चुअली ट्राई टू हिम इन अंडर गार्डन लेकिन वो किंडर गार्डन के अंदर जाने के बाद वो इतना ज़्यादा अपसेट हुआ कि राइट आफ्टर द टू वीक्स जो है वो उसने जाना वहाँ पर बंद कर दिया ठीक है अब वो क्यों वहाँ पर जाना बंद कर दिया क्योंकि मदर जो है उसको पहले प्रिंसिपल ने एक रूम के अंदर कहा कि वो उसके लिए वेट करें बिकॉज द चाइल्ड इज गेटिंग अपसेट लेकिन उसके बाद जब टू वीक्स के बाद इस अरेंजमेंट को डिसकंटिन्यू किया गया तो ये देखने में आया कि जो बच्चा था वो किंडर गार्डन में नहीं रह सका क्योंकि उसकी मदर जो थी वो वहाँ से लीव कर गई थी तो इस किस्म का जो प्रॉब्लम है वो बच्चों के अंदर देखने में आता है कि अगर मदर्स जो हैं वो कमरे के बाहर बैठी हुई हैं तो बच्चा अंदर थोड़ी देर रुक लेता है लेकिन जैसे ही वो देखेगा कि मदर जो है वो कमरे से बाहर नहीं है तो वो जो बच्चा है वो उसका क्राइंग बिहेवियर या टेम्पर टेंड्रम या वाइनिंग कुछ भी जो है वो स्टार्ट हो सकता है उसके बाद उसकी मदर ने उसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर एनरोल करवाने की कोशिश की लेकिन फिर से जो इंटेंस एनजाइटी थी वो उस बच्चे ने एक्सपीरियंस की और ही वॉज़ रिफ्यूज टू बी गेट सेपरेटेड फ्रॉम हा मदर ठीक है तो इस टाइम के ऊपर जो स्कूल काउंसलर था उसने उसकी मदर से ये कहा कि शी मस्ट टू हर्व फॉर सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्प और जब मदर जो थी वो थेरेपिस्ट के पास गई तो हुआ क्या कि जो थेरेपिस्ट था तो उसने वाइट जो अपनी क्लिनिकल कोट होता है वो उसने वियर किया हुआ था अब उस बच्चे को वाइट क्लिनिकल कोट से जो था वो फोबिया था तो बिकॉज ऑफ़ दैट वो जो है वो क्लिनिक से उठ के भाग गया अब उसकी मदर ने फिर उसके जो थेरापिस्ट था उसको बताया कि बेसिकली इस बच्चे को वाइट uh, कोट से फोबिया है जिसकी वजह से ये आम तौर पर फिजिशंस के पास भी नहीं जाता और फिर जो था uh, थेरापिस्ट उसने अपना वाइट कोट जो है वो रिमूव किया एंड देन ही स्टार्टेड टू टेकिंग द थेरेपी अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यस द चाइल्ड इज एक्सप्रेसिंग द सिम्प्ट ऑफ सेपरेशन एनजाइटी बट ही इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द फोबिया ठीक है तो स्पेसिफिक फोबिया भी उसके अंदर एक था तो इसका मतलब ये है कि सप्रेशन एनजाइटी डिसऑर्डर समटाइम कोमोबिडिटी के साथ भी अपीयर हो सकती है जिसमें एक पॉसिबिलिटी स्पेसिफिक फोबिया की भी जो है वो हो सकती है जैसे आपको पता है कि फोबिया का क्या मतलब होता है कि ऐसा अनरियलिस्टिक फियर जिसके बारे में बच्चे को पता होता है कि ये जो है ये चीज़ थ्रेटनिंग नहीं है या ये हार्मफुल नहीं है और ये मुझे हार्म नहीं देगी इसके बावजूद वो उस चीज से जो है वो फीवरफुल फील करता है तो दैट हज़ समथिंग तो इधर से आपको पता चला होगा कि जो बच्चा था जो जॉनी है बेसिकली रिफ्यूज गो स्कूल बिकॉज ही वॉज एक्सपीरियंसिंग द सेपरेशन एंजाइटी वेन एवर हर मदर लीव द रूम और द द स्कूल सो दैट्स ऑल अबाउट सेपरेशन एंजाइटी केस